ये सिलाई मशीन धागा ढीला देता है, ये ऊपर के साइड तो सही लग रहा है और ये नीचे के साइड इस तरीके का खराब क्यों आता है, कर देना यहाँ से 1, 2, 3, ये सिलाई बिल्कुल अब ठीक हो गया है। जो धागा है ये बार बार तोड़ क्यों देता है, सुई से अगर आपका सिलाई मशीन जो है धागा ढीला देता है या आपका सिलाई खराब देता है, कुछ इस प्रकार का देख सकते हैं, जो इस प्रकार का ये सिलाई मशीन धागा ढीला देता है और सिलाई खराब देता है, देख सकते हैं ये बेकार लग रहा है पूरा, ये एक धागा अगर निकालेंगे तो खींच के निकल जाएगा और एक तरफ से देख लीजिए बहुत ही अच्छा दे रहा है। तो ये देख लीजिए कि ये ऊपर के साइड तो सही लग रहा है और ये नीचे के साइड इस तरीके का खराब क्यों आता है दोस्तों, इसी वीडियो में आपको कंप्लीट में बताने वाला हूं कि किस तरीके से इसकी सेटिंग करना है कि जिससे इस प्रकार का धागा खराब ना आए। तो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और हाँ दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा क्योंकि बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं कि इसको किस तरीके से सेटिंग करना है, इसके लिए क्या करना होगा, आइए आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको यहां से निकाल देना है इसको, और यहां से निकालने के बाद में ये चीज जो है इस धागा को तोड़ देना है और या फिर दूसरा कपड़ा ले लीजिए, और मैं क्या करूंगा इसी कपड़े पे आपको सिल के दिखाऊंगा, ऐसा ना हो कुछ लोग कहते हैं कि दूसरे कपड़ा पर सही चलता है इस पे नहीं चलता, ऐसा कुछ नहीं, जब सिलाई मशीन आपका सेट रहेगा सही रहेगा तो चलेगा और सिलाई मशीन आपका खराब रहेगा तो नहीं चलेगा। अब इसकी सेटिंग किस तरीके से करना है इसी वीडियो में कंप्लीट आप सीख लीजिए, और दोस्तों क्या होता है कि जब आपको जानकारी हो जाएगा तो कभी भी मशीन आपका खराब हो जाएगा तो आप रिपेयर भी कर लीजिए। तो इसको तोड़ के साफ कर दिए हैं, अब करना क्या है, यहां से पहले हम चेक करते हैं ये डिब्बी जो है इसमें धागा है या नहीं है, क्योंकि चेक करते समय थोड़ा समय लगेगा, तो धागा थोड़ा सा है चलिए चल जाएगा, और उसके बाद में यहां से इसको लगा देते हैं, और लगाने के बाद में इसको धागा को निकालते हैं और इस तरीके से, और सबसे पहले ही आपको ये चेक करना है कि इस तरीके से आपको मोड़ करके जब आप सिलाई करते हैं आपका सिलाई खराब देता है तो यहाँ से आपको चेक करना है, सिलाई कर लेना है ऐसे थोड़ा सा, आपको दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ कि जिससे आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ से देखिएगा सिलाई खराब दे रहा है, तो नीचे की साइड जब आपका सिलाई खराब दे रहा है देख सकते हैं आ रहा होगा, दिखाई दे रहा है कैमरा में, नहीं दिखा रहे, थोड़ा सा और चला के दिखा दे कि जिससे आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ से देखिएगा ये सिलाई खराब आ रहा है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो आपको करना क्या है, जो ये धागा आ रहा है ऊपर से देख लीजिए यहाँ से धागा आ रहा है, कभी कभी क्या होता है इसके अंदर जो है कचरा हो जाता है, तो आप फूक मार करके इसको साफ कर सकते हैं, इस तरीके से खींच करके इसको साफ कर लीजिएगा। अगर साफ करने के बावजूद भी अगर इसी प्रकार का आता है तो आपको करना क्या है, क्या होता है ये जो पेच होता है ये कभी कभी बच्चे होते हैं ढीला कर देते हैं या खुद अपने से ढीला कर देते हैं, या कुछ लोग क्या करते हैं कपड़े से ढके रहते हैं और कपड़ा जो है खींच करके उठाते हैं तो ये पेच जो होता है इसे घूम जाता है, तो इससे क्या होता है उनको ये लगता है कि मैं तो कभी इसको छेड़छाड़ किया नहीं तो ये ऐसे अचानक ढीला क्यों हो गया, ऐसा होता है कपड़े खींच इस पर कपड़ा रखा होता है ढका होता है और खींचते हैं जोर से तो ये घूम जाता है ढीला होता है क्योंकि बहुत ऐसे हल्का होता है घूम जाता है। तो चलिए अब इसको क्या करना है, इस तरीके का आपका धागा खराब दे रहा है नीचे के साइड, तो इस पेच को आपको 3 से 4 चूड़ी टाइट कर देना है, यहाँ से 1, 2, 3, 4 चार चूड़ी चूड़ी आप टाइट कर दीजिएगा, और इसके बाद चला के थोड़ा चेक करिएगा इस तरीके से कि कुछ सही हुआ या नहीं हुआ। तो आप इस तरीके से पलटेंगे जब तो देख सकते हैं ये चार चूड़ी जब मैं टाइट किया हूं तो देख लीजिए सही आ गया है और थोड़ा थोड़ा दाना ले रहा है। तो अब आइए देखते हैं एक चूड़ी इसमें और टाइट करते हैं इस तरीके से, बस 5 हो गया। अब इसको इस तरीके से चला के चेक करते हैं तो देख लीजिए दोस्तों इस तरीके से आप चलाएंगे तो यहां से बिल्कुल ठीक था और इससे और ठीक हो गया। अब इसको घुमा देते हैं कपड़े को, छोटा कपड़ा था अपने पास, और आप कभी भी सेट करिएगा तो कपड़ा जो है बड़ा लीजिएगा जिसको क्या होगा सेट करने में काफी आपको आसान होगा। तो यहां से इस तरीके से सिलाई करते हैं, देख सकते हैं, देख सकते हैं ये सिलाई बिल्कुल अब ठीक हो गया है। तो जब भी आपको सिलाई सेट करना है तो यहाँ से ही सेट करिएगा, जो भी प्रॉब्लम होता है यहाँ सेटिंग से होता है, जहाँ सेटिंग से होता है यहाँ से आप ठीक कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों अगर आपका सिलाई मशीन सुई तोड़ता है बार बार और आप परेशान हो जाते हैं धागा तोड़ देता है, तो इस वीडियो में आ रहा है लास्ट में छोटा सा वीडियो कि आपका जो धागा है ये बार बार तोड़ क्यों देता है, सुई से टूट क्यों जाता है, ये वीडियो इसी वीडियो के लास्ट में आ जाएगा, उसी वीडियो पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। आपका सिलाई मशीन अगर धागा तोड़ता है तो देख करके आप वीडियो सेटिंग कर सकते हैं अपने मशीन को। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।